अपनी जो स्ट्रीम है साइंस को लेके चलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पहले से ही स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं। आपको पता होगा कि पीसीएम वाले बच्चे भी जो होते हैं वो पैरामेडिकल को चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ डॉक्टर से तो हॉस्पिटल नहीं चलता ना, ऑल ओवर उनका स्टाफ होता है, सो दैट वो सभी किस अलग अलग स्ट्रीम से पढ़े होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। जैसे लाइफ में आपको बता दूँ, रेडियोग्राफर हो गया और आपका इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया। तो आपको पता है रेडियोग्राफर क्या होता है? रेडियोग्राफर जो लोग सिटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी ये सब चीजें करते हैं, ये नाम तो सुने होंगे, अगर प्रोसेस नहीं भी पता कि ईसीजी कैसे होता है या फिर सिटी स्कैन कैसे होता है ना, तो ये एक साइंस स्ट्रीम से बैकग्राउंड होते हैं। जरूरी नहीं है इसमें सभी सब्जेक्ट आपका पीसीएम या पीसीजी होना मस्ट है। अगर कुछ बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम से लेके चूज कि आर्ट्स स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हम किस डिपार्टमेंट को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपको सिर्फ साइंस स्ट्रीम से बताया मैंने आपको, ठीक है। हमने आपको बताई पैरामेडिकल आर्ट्स, तो जीडीए यानी कि जीडीए फर्स्ट होता है आपका जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। क्या होता है, नोट डाउन करना तो कर सकते हो आप लोग, जीडीए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, राइट।